हमारी तो भगवान से ठन गई। हुआ यूं, पिताजी बोले, पितरों का ध्यान करो। हम अनुशासित थे, पिताजी की बात मानने लगे। हरिद्वार के गोत्र पुरोहित से पता चला कि एक पितर का नाम भगवान नाथ था। हमने उन्हें ध्याना शुरू किया। अचंभे की बात है, एक दिन भगवान नाथ प्रकट हो गए, स्वर्ग का आशीर्वाद दे डाला। स्वर्ग में हमारा सामना नियम और अनुशासन से हुआ। स्कूल में भी हमारे सहपाठी थे, नियम और कुमारी अनुशासन, मेरी उनसे कभी नहीं बनी। स्वर्ग में भी यह नए प्रकार के नियम और अनुशासन से पाला पड़ गया। हम तीनों में झगड़ा शुरू हो गया। रिपोर्ट भगवान जी के पास पहुंच गई। भगवान जी ने हमें निकालने का आदेश जारी कर दिया और नरक में दाखिल कर दिया। लो कर लो बात, नरक में भी नियम और अनुशासन को हम पर नियुक्त कर दिया। नरक में भी हम तीनों में बवाल हो गया। कुमारी अनुशासन तो अति धूर्त थी, अनुशासन की माता थी अनु। अनु ने पुत्री के मन में भर डाला। अनु का अर्थ है परमाणु। परमाणु के सामने हर कोई छोटा। अनुशासन उसी परिवर्ती को पाले हुए थी। हर एक बात पर परमाणु का ध्वंस जमाती। नियम तो यम कम यमराज ज्यादा था, हम भी कम नहीं थे। अब हमारी शिकायत धर्मराज तक पहुंची। धर्मराज ने नरक से हमें निष्कासित कर दिया। जहां हमें डाला, जहां हम पहुंचे, जाने वे क्या है। ये ना तो स्वर्ग है ना ही नरक है। पर एक दिन कमाल हो गया। जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। जहां न पहुंचे कवि, वहां पहुंचे नारद। नारद बोले, ना रायण नारायण नारायण बालक, हम भी नियम और अनुशासन के झटकाए हुए हैं। बालक अब न जीने देंगे इनको, यानी अनु और यम को। नारायण नारायण, मुझे नहीं पता मैं कहां हूं। पता चला है धरती पर अनुशासन और नियम की अच्छी खासी बेकदरी हो रही है। दोनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चलिए छोड़िए, अगर यहां तक कहानी पढ़ ली है और पसंद नहीं आई तो सब्सक्राइब मत करिएगा। कमेंट सेक्शन में मेरी धज्जियां जरूर उड़ा दीजिए।